हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी के द्वारा भावातीत ध्यान के बारे में। जो हमारे विश्व के वैज्ञानिक थे और उन्होंने भावातीत ध्यान को आधुनिक विज्ञान के द्वारा प्रमाणित भी किया था और उन वैज्ञानिकों ने इस भावातीत ध्यान को शोध करके जो प्राप्त किया उसको महर्षि प्रभाव का नाम दिया। महर्षि जी का जो भावातीत ध्यान न केवल व्यक्तिगत स्तर पर पोषणकारी प्रभाव उत्पन्न करता है अपितु यह सामूहिक चेतना में समस्त प्राकृतिक नियमों को जागृत कर क्रिया के क्षेत्र में पावन प्रभाव उत्पन्न करता है और विश्व शांति की समस्या का हल प्रस्तुत करता है। किसी गांव, समाज, देश अथवा विश्व की पूरी जनसंख्या का 1% व्यक्ति भावातीत ध्यान का प्रतिदिन सुबह शाम नियमित अभ्यास करने लगते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का मन प्रकृति के बखरी मध्यमा पश्यंती के स्तर को जागृत करता हुआ प्रकृति को स्पंदित करता है, जिससे समस्त प्रकृति के नियम जागृत हो जाते हैं और वहाँ की सामूहिक चेतना में सतोगुण बढ़ता है तथा रजोगुण तथा तमोगुण कम हो जाते हैं। और जैसे जैसे सतोगुण बढ़ता जाता है वैसे वैसे वहाँ उस गांव, समाज, देश व विश्व में सतोगुणी प्रवृत्तियों का विकास होता है, जैसे सामाजिक समस्याओं का समाधान हो जाना, कृषि में फसल उत्पादन में का अधिक होना इत्यादि। ये लाभ होते हैं और निगेटिव जो ऊर्जा होती है जैसे कि रोग होते हैं, दुख समस्या होती है, संघर्ष होता है, दुर्घटना होती है इत्यादि में इसमें कमी आती है। जैसे यदि किसी समाज की जनसंख्या 10 लाख है और 10 लाख का 1% अर्थात 10,000 व्यक्ति नियमित भावातीत ध्यान एक साथ करें तो वहाँ पॉजिटिव ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी और नेगेटिव ऊर्जा में कमी आएगी। महर्षि जी कहते हैं तनावग्रस्त व्यक्तियों की मूक आह से उत्पन्न प्रकृति की पुकार ही युद्ध है। व्यक्तियों के सामूहिक तनाव की अभिव्यक्ति ही युद्ध है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय युद्ध तनाव के कारण ही उत्पन्न होते हैं, जैसे व्यक्ति अपने वातावरण में बराबर छोड़ता रहता है। व्यक्ति अपने वातावरण को अपने विचार, शब्द और कार्य से प्रभावित करता रहता है। ये प्रभाव या तो जीवन पोषक या जीवन नाशक होते हैं। जब लोग दुखी, बेचैन और तनावग्रस्त रहते हैं तब वातावरण उन जीवन पोषक प्रभावों से रहित रहता है और शांति भंग हो जाती है। जब लोग खुशी और सुखी, उत्पादक और अपने अंतर में शांतिमय होते हैं तब उनका वातावरण उनकी अच्छी स्थिति को प्रतिबिंबित करता है और शांति प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है। जब तक व्यक्ति तनाव व चिंताओं में चलता रहता है तब तक विश्व शांति एक भावनात्मक विचार की तरह ही बना रहता है। ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगा, लाइक इस वीडियो को करना और शेयर भी करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। जय गुरु।